हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बीके स्टडी टैग में। आज हम आप लोगों को रूट का जोड़ बताएंगे। तो देखिए रूट का जोड़ कैसे बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रूट फाइव प्लस रूट फाइव। तो रूट फाइव प्लस रूट फाइव देखिए कैसे बनाएंगे कि रूट फाइव प्लस रूट फाइव की यानी कि इसके बगल में देखिए क्या छुपा हुआ है, वन, यानी कि और इसके भी बगल में क्या है यानी कि वन। तो वन और वन ये दोनों जुट जाएगा, वन और वन कितना हो जाएगा टू, और प्लस में यानी कि रूट फाइव, रूट फाइव एक समान अंक है अंदर में, तो क्या हो जाएगा रूट फाइव, यानी कि रूट फाइव प्लस रूट फाइव क्या हो जाएगा रूट फाइव। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया टू रूट फाइव। ठीक, तो चलिए दूसरा देखते हैं, फोर रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री। फोर रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री इसको जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे इसको, यानी कि बाहर में है इसका चार और इसका बाहर में है दो, तो चार और दो कितना हो गया छः। तो छः और देखिए दोनों समान अंक है तो इसका हो जाएगा रूट थ्री, तो इसका आंसर कितना आ गया सिक्स रूट थ्री। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि फाइव रूट सेवन प्लस टू रूट सेवन, इसको देखिए किस प्रकार के जोड़ेंगे। फाइव रूट सेवन प्लस टू रूट सेवन ये हो गया आपका फाइव रूट सेवन प्लस टू रूट सेवन, तो यानी कि पांच और ये इसका दो कितना हो गया सात रूट सात, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए हम निकाल सकते हैं चौथा नंबर, देखिए क्या है रूट बारह प्लस रूट बत्तीस। देखिए रूट बारह का पहले खंड कर लीजिए, रूट बारह का खंड करने के लिए हमारे पास आएगा क्या आएगा खंड इसका, दो दुनी चार तियाई बारह, ये आ गया दो दुनी चार तिया बारह प्लस रूट बत्तीस का देखिए क्या आएगा, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, देखिए इस प्रकार से रूट बत्तीस का खंड हो गया। ठीक, तो अब देखिए इसमें से अगर देखिए जोड़ा जब लग जाता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो इसमें से बाहर निकल गया दो और क्या हो गया रूट के अंदर में रह गया थ्री, तो रूट के अंदर में थ्री रख दिए प्लस। अब देखिए इसमें से जोड़ा एक निकल रहा है, जोड़ा लग गया तो वो बाहर निकल गया रूट से, फिर इसमें देखिए जोड़ा लग रहा है ये भी बाहर निकल गया, लेकिन ये अकेला पड़ रहा है तो ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो देखिए फाइनल इसका आंसर क्या आएगा टू रूट थ्री, टू रूट थ्री प्लस दो दूने चार यानी चार रूट दो, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से इसको टू रूट थ्री प्लस फोर रूट टू में छोड़ देंगे, इससे आगे इसका हल नहीं होगा क्योंकि दोनों समान जात का नहीं है। देखिए पांचवा नंबर देखिए क्या कहता है, टू रूट थ्री प्लस फाइव रूट थ्री, टू रूट थ्री प्लस फाइव रूट थ्री, तो यानी कि दो और पांच जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा, सात और रूट थ्री, इसका आंसर ये हो गया। ठीक, छठा नंबर में क्या कहता है कि सिक्स रूट फाइव प्लस थ्री रूट सेवन। अब देखिए मेरे दोस्त, क्या रूट फाइव है और रूट सेवन है दोनों समान अंक है क्या रूट के अंदर में? जब समान अंक नहीं है तो कैसे जुटेगा, जुटना तो ये नहीं चाहिए, तो इसलिए ये जुटेगा नहीं। तो देखिए क्यों नहीं जुटेगा, क्योंकि दोनों के इसके अंदर में यानी कि इसका खंड नहीं होगा, जब इसका खंड होगा नहीं तो ये समान अंक है या समान अंक नहीं है, तो रूट फाइव और रूट सेवन ये दोनों अलग अलग अंक है रूट के अंदर में, तो बाहर वाला भी नहीं जुटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्स रूट फाइव और प्लस थ्री रूट सेवन, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सात, थ्री रूट सेवन प्लस टू रूट टू। थ्री रूट सेवन इसमें भी देखिए ये सेम टू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, थ्री रूट सेवन प्लस टू रूट सेवन, यहाँ भी समान जात का नहीं मिल रहा है, तो समान जात का जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे इसको सेम टू सेम वही उतार देंगे, तो रूट थ्री रूट सेवन प्लस टू रूट टू, इसका आंसर ये हो गया। चलिए लास्ट यानी आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो देखिए इसको कैसे हम हल करेंगे। रूट बत्तीस है और रूट अठारह है, तो रूट बत्तीस का पहले हम खंड कर चुके हैं, तो उसी प्रकार से हम खंड कर लेंगे रूट बत्तीस का, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह दुनी बत्तीस, रूट बत्तीस का खंड कर लिए, जोड़ रूट अठारह का भी खंड कर लीजिए, तो दो तिया
6 * 3 = 18, इसका खंड कर दिया 18 का। तो देखिए अब इसमें से ये बाहर निकल जाएगा 2, तो 2 को बाहर निकाल दिए, रूट के अंदर में 2 रह गया, 2 को रहने दीजिए। अब देखिए इसमें जोड़ा लग रहा है 3, 2 नहीं लग रहा है, तो इसमें से 3 एक बाहर निकल गया, ये रह गया अंदर में। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो 2 * 2 कितना हो जाएगा 4√2 + 3√2। अब देखिए ये दोनों एक जात का मिल रहा है रूट के अंदर में, तो ये दोनों जुटेगा ही जुटेगा, तो 4 + 3 कितना हो गया 7√2। फाइनली इसका आंसर कितना आ गया 7√2। इस प्रकार से हम क्या करते हैं रूट का जोड़।